नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के नए कमाल के वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपके मोबाइल में अच्छी एप्लीकेशन होंगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप एक वीडियो क्रिएटर है, मतलब यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक के लिए वीडियोज बनाते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका काम बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप हर एक के मोबाइल में अगर है तो आपका काम ऑटोमेटिकली इजी होता चला जाएगा। और आपको लगेगा कि काश एप्लीकेशन में पहले से पता होती तो हम इनको फोन में हमेशा ही डाउनलोड करके रखते। हो सकता है बहुत सारे क्रिएटर्स को इनके बारे में पहले से पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया बताऊंगा ही, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मेरे को ये बताना कि आपको इन सब में से कौन सा एप्लीकेशन अच्छा लगा है। तो फिलहाल कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो और आपको ये लगता है कि मैं हमेशा सही काम करना चाहता हूँ, कभी कोई गलती ना हो, तो आपके पास होना चाहिए परफेक्ट प्लान। मतलब आपको कौन सी वीडियो कब बनानी है, क्या वीडियो में बताना है, वीडियो का टॉपिक्स क्या क्या है, वीडियो की स्क्रिप्ट क्या है, पॉइंटर क्या है, इन सब चीजों के बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आपकी वीडियो ना केवल बनाने में इजी पड़ेगी, बकायदा वीडियो को और भी अच्छे से बना पाओगे, प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी होगी। तो इसके लिए आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके पास प्रैक्टिकली एक नोटपैड होना चाहिए जिस पर आप सारी बातें लिख सको। मतलब फिलहाल मेरे दिमाग में टॉपिक आ रहा है और वीडियो बनानी मेरे को एक वीक बाद में, तो एक वीक बाद तक हो सकता है वो बात मेरे दिमाग में हो या फिर ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एक अच्छे से नोटपैड का। अब एक अच्छे से नोटपैड से मेरा मतलब क्या है, जहाँ पे आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाए, हेडिंग्स लिखने का, सब हेडिंग लिखने का, फॉन्ट के कलर चेंज करने का, फॉन्ट के स्टाइल चेंज करने का, इन सब का। और ये जो सारे टूल आपको मिलते हैं, इनके लिए मैं तीन बेस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। जो पहला एप्लीकेशन है वो है जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, सैमसंग नोट्स का। यह कोई भी एड देखने को नहीं मिलती है। दूसरा जो है वो एवर नोट, ये भी ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाकर आप सर्च कर सकते हो। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है गूगल कीप्स, जो गूगल का खुद का है। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से वो चूज कर सकते हो। अब दोस्तों, जब हमने अच्छे से प्लानिंग कर ली है कि हमें वीडियो में बताना क्या है, वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होगी, वीडियो का कंटेंट क्या होगा, तो इन सबके बाद चाहिए कि हम अपने खुद की एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड कर सके। अब आपके पास हो सकता है DSLR हो सकता है मोबाइल हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास एक मोबाइल ही होगा। और मोबाइल अगर आपके पास है तो उसमें एक अच्छा कैमरा डाउनलोड आपको करना चाहिए। मतलब जो मोबाइल का खुद का कैमरा आता है उसको अच्छा नहीं मानता, उसमें काफी बार हमें लैग देखने को मिल जाता है, AI अच्छे से काम नहीं करता है, आपको ब्यूटी करने के चक्कर में सारा बैकग्राउंड बदल देता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप एक एक्सटर्नल कैमरा आपके मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए। अभी ब्यूटी प्लस वगैरह मैं आपको नहीं बोलूंगा, कैमरा 360 ब्यूटी प्लस ये कैमरा डाउनलोड कीजिए। काफी बार मैंने सुना है कि जो एक्सटर्नल कैमरा आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उनमें भी काफी बार मालवेयर आ जाते हैं। तो जो सेफ एंड सिक्योर है उन दो के नाम बता रहा हूँ। पहला है ओपन कैमरा, जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक टूल देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कैमरा है वो हमारे पास अडोब CC, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही फीचर्ड जो कैमराज है, आप इनमें से चाहो उसका यूज कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आप ओपन कैमरा का अच्छे से यूज करते हो तो आपको ISO वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जो ना केवल आपकी वीडियो को स्टेबल रिकॉर्ड करता है बल्कि जो क्वालिटी होती है उसको भी काफी इनहेंस कर देता है। तो आप कैमरे के मामले में इनको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ओपन कैमरा अच्छे से यूज नहीं करना आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर मैं 30 से 40 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके हर एक फीचर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा फीचर कैसे काम करता है। अब दोस्तों, जब आपने वीडियो को अच्छे से प्लान कर लिया है, डिजाइन कर लिया है, वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो बात आती है वीडियो एडिटिंग की। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो आपके पास एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप वीडियो को एडिट कर सको। उसके लिए मार्केट में कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यहाँ पे किनेमास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, और एक पावर डायरेक्टर का सब टूल और है जो कि एक्शन डायरेक्टर, आप उसका भी यूज कर सकते हो आपकी वीडियोज को एडिट करने के लिए। और अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो एडिटिंग होती है वो अच्छी नहीं लगती, तो आप यहाँ पे फिल्मोरा का भी यूज कर सकते हो, जो कि स्पेशली मोबाइल के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर आपको सीखना है प्रोफेशनल एडिटिंग मोबाइल से, मतलब कि स्पेशल एक एडिटिंग वीडियो है 30 से 40 मिनट का जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे आपके मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकअप कर सकते हो। जब दोस्तों हमारी अच्छी वीडियो एडिट हो चुकी है तो हमें अब चाहिए कि हमारी जो वीडियो है उसमें एक अच्छी खासी आवाज हो, क्योंकि हमारी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी मैटर करती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर कोई भी ऑडियो एडिटर डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ऑडियो लैब हो गया, बैंड लैब हो गया, इसी के साथ में एक होता है हमारे पास लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो फिलहाल मैं अगर मेरी बात करता हूँ तो मेरे को लेक्सिस ऑडियो एडिटर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है,
क्योंकि उसको नए बंदे को समझाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, उसका इंटरफेस कुछ डरावना सा है, तो आप यहाँ पे बैंड लैब का या फिर साउंड लैब का यूज कर सकते हो। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपके मोबाइल से साउंड कंपोजिंग, साउंड मिक्सिंग, ऑडियो एडिटिंग, मर्जिंग, कटिंग सारा कुछ कर सकते हो। इन सब के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब पे मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है, बाकी आप चाहो तो देखिए, अदरवाइज मत देखिए, वो आपकी इच्छा है। दोस्तों एप्लीकेशन नंबर 5 मुझे नहीं लगता कि आज वाली लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे काफी लोग बोलते हैं सर आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करते हो। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एजर्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का, जिससे कि मैं अपने मोबाइल को कास्ट करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो आप यहाँ पे आपके मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए एजर्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज कर सकते हो, मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों जब हमारे पास एक कम्प्लीट वीडियो एडिट हो चुकी है, एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ में, अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ में, तो हमारे पास होना चाहिए कि हम वीडियो को अपलोड करें। उसके लिए आपके मोबाइल के अंदर हमेशा ही हमेशा यूट्यूब ऐप डाउनलोड होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर क्या बता रहे हो, यूट्यूब ऐप तो हर एक के मोबाइल में होता है। नहीं सर, आप प्ले स्टोर पे जाइए, यूट्यूब ऐप की जो बीटा प्रोग्राम है उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया फीचर आता है तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा। दूसरी बात, आपके पास वीडियो जब अपलोड हो चुका है तो आपको चाहिए कि आप उसमें थंबनेल लगा सको, आप उसका रिपोर्ट चेक कर सको, वीडियो पे कितने व्यू जा रहे हैं, कहाँ से व्यू जा रहे हैं, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग उसको देख रहे हैं, कौन कौन से देश में आपकी वीडियो देखी जा रही है, वगैरह वगैरह सब कुछ। ये जानने के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर YT स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी प्ले स्टोर आपको इजीली मिल जाएगी। लगभग हर एक वीडियो क्रिएटर इसका यूज करता है। बात इधर ही खत्म नहीं होती, बात अब यहाँ पे आती है कि आपकी वीडियो को रैंक करने के लिए, आपकी वीडियो को कंपटीशन चेक करने के लिए कि आपकी वीडियो का कंपटीशन कितना ज्यादा है, कैसे आप उनको बीट कर सकते हो, वगैरह वगैरह सब कुछ। ये सब जानने के लिए आपको आपके मोबाइल के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर ट्यूबबडी एप्लीकेशन को डालना। लेकिन फिलहाल हम एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले एक्सटेंशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल के अंदर ट्यूबबडी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो आप यहाँ आपकी वीडियोस को लाइव रैंक कर करके देख पाओगे। अगर आपको नहीं पता लाइव रैंक कैसे करते हैं, कैसे टैग अच्छे लगाते हैं, कैसे वीडियो का कंपटीशन चेक करते हैं, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कैसे आप मोबाइल के अंदर ये सब कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी आप चेक कर सकते हो। बाकी आज मैंने बहुत सारे लिंक्स बता देना, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो मैंने बना रखी है, जाके देखने का फर्ज आपका है। अब दोस्तों जब हमने अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, उसको एडिट करके उसको अपलोड भी कर दिया, अच्छे खासे टैग लगा के रैंक भी कर दिया, तो हमारे पास होना चाहिए कि वीडियो का जो मेन बैनर होता है, मतलब थंबनेल होता है, वो हम कैसे बनाएंगे। मैं बताता हूँ, मैं अपने फोन में सिर्फ 3 एप्लीकेशन डाउनलोड रखता हूँ, 3 नहीं इसको 4 बोल सकते हैं। पहला है बैकग्राउंड इरेजर, जिससे कि मैं जो फोटो होती है उसके बैकग्राउंड को इरेज करता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास लाइट रूम, जिसके अंदर मैं फोटो के जो कलरिंग होती है उसको एडजस्ट करता हूँ, उसको कलर ग्रेड करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है पिक्स आर्ट, पिक्स आर्ट के अंदर आप फोटो को बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिनमें आपके फोटो को ब्यूटीफाई कर सकते हो, आपके फोटोज को और भी ज्यादा एडिट कर सकते हो। वगैरह इतनी पॉपुलर एप्लीकेशन है, इसके बारे में ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में बैकग्राउंड इरेजर, लाइट रूम कलर ग्रेडिंग के लिए, पिक्स आर्ट फोटो एडिटिंग के लिए, एंड फाइनली हमारे पास जो आता है एडवांस टूल जो आता है, वो मेरे को लगता है पिक्सल लैब। अभी जो पिक्सल लैब है, मैं इसमें अपने सारे थंबनेल बनाता हूँ, बाकी आप देख सकते हो आपको थंबनेल कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते। तो आप यहाँ पे थंबनेल मेकिंग के लिए 4 एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, और चारों का लिंक आपको दोबारा से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हमारी वीडियो के अंदर कंप्लीट हम चेहरा ही दिखाए जाएंगे और कुछ दिखाएंगे ही नहीं, ऐसा में जरूरत पड़ती है कॉपीराइट फ्री कंटेंट की। अब कॉपीराइट फ्री कंटेंट के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट को अलग अलग जाके चेक करोगे, ये करोगे वो करोगे, उससे अच्छा है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देख पाओ। आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन के अंदर कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपको हाथों हाथ मिल जाए, तो आप यहाँ अपने फोन के अंदर पिक्साबे, पिक्सल्स और शटर स्टॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप काफी अच्छे स्टॉक इमेजेस काफी जल्दी प्राप्त कर सकते हो, तो आप इनको भी डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये मत सोचना कि इतने सारे एप्लीकेशन बता रहा है हम कितने रखेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो अच्छी लगे ना आप वही रखिए। मैंने टॉप 10 एप्लीकेशन की बजाय आपको टॉप 30 एप्लीकेशन इसलिए बताई है ताकि आपके हिसाब से अच्छे एप्लीकेशन को चूज कर सको। अब दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी वीडियोस के अंदर ट्यूबबडी एक्सटेंशन का इस्तेमाल ना करो, तो आप यहाँ पे टैग यू या फिर ट्यूबबडी का इस्तेमाल कर सकते हो। टैग यू जो एप्लीकेशन है, किसी भी वीडियो के कीवर्ड आपको निकाल के दे देगा, सर इसने ये वीडियो बनाया हुआ है, कीवर्ड फाइंडर है, टैग लगाने के लिए आपकी काफी मदद करेगा। बैकलिंक्स के जरिए भी आपको यहाँ पे मतलब काफी मदद करता है, अगर आपको अच्छे से जानना आता है तो। आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक डाल के उसके रिलेटेड टॉपिक भी सर्च कर सकते हो, मतलब कि टॉपिक प्लानर भी आपको मिल जाता है।
और जो ट्यूबबडी एप्लीकेशन है वो आपको ये बताएगा कि आपकी वीडियो फिलहाल कहाँ पे रैंक कर रही है, कितना कंपटीशन है, अपने वीडियो के टाइटल थंबनेल में क्या क्या गलतियां कर रखी है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये दोनों एप्लीकेशन भी काफी काम की हो सकती है अगर आपके मोबाइल के अंदर ट्यूबबडी एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर पाते हो तो। और दोस्तों हर एक वीडियो क्रिएटर की हर एक पल नजर रहती है कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए, बार बार यूट्यूब को ओपन करेगा चेक करेगा, ओपन करेगा चेक करेगा। इससे अच्छा यह है कि आपके वॉलपेपर के ऊपर ही सब्सक्राइबर काउंट लगा लीजिए। तो आप यहाँ पे कोई भी लाइव सब्सक्राइबर काउंट का जो टूल है उसको अपनी होम विजेट पे यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि फिलहाल आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने इंक्रीज हो रहे हैं, कितने डिक्रीज हो रहे हैं। और दोस्तों लास्ट जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही कमाल की है, जो कि है बफर एप्लीकेशन। अब जो बफर एप्लीकेशन है क्या है, आपके सोशल मीडिया को मैनेज करने काम आती है, उनकी जो पोस्ट होती है उनको शेड्यूल करने के काम आती है कि आपको कब कौन से टाइम पर कौन सी फोटो को अपलोड करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। तो ये हमें काफी काम आ सकती है अगर आप एक सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हो तो। तो आज मैंने करीबन 10 टाइप के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया है और एक हर एक टाइप में 3-3 एप्लीकेशन के बारे में बताया है। और इनमें से आपको कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी लगी है प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे कमाल की और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।